हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जो कि है रिक्वेजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। तो BCOE 144 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा देखिएगा। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये सारे क्वेश्चन, तो इनको पूरा देखिए। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर नोट्स बनाए गए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के। अगर आप चाहें तो नोट्स को आप परचेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फोन नंबर है हमारा, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक चीज और बता दूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो यार सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको दबा दो, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सही टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके आज के टॉपिक को, जो कि रिक्वेजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। तो एक वैलिड मीटिंग के होने के पीछे क्या क्या जरूरत चीजें हैं जो है जो कि होनी चाहिए, तो चलिए फिर देखते हैं। ओके, सो इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, मीटिंग आर हेल्ड टू डिस्कस ट्रांजैक्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओवर द ईयर सर्टेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग हैव बीन इवॉल्वड सो एज टू गिव लीगल हैकिंग and responsibility to the decisions taken in the meetings. ठीक है, these requisites can be described as follows. तो क्या बोला गया यहाँ पे बोला गया कि समय साल दर साल जो है जो माफी चाहूंगा जो requisites हैं वो बदलती आई हैं, चीजें और बेहतरीन होती आई हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि मीटिंग होती थी। देखो, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो आप वो डिसीजन नहीं ले सकते। अगर आपके पास सारा अधिकार है तो आप ले सकते हो, बट मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि सारी आपके पास अधिकार नहीं होते हैं। अगर आपके पास होते भी हैं, फिर भी आप अपने पीयर ग्रुप्स, अपने यू नो सीनियर्स जो हैं, उनके उनकी सलाह आप लेते हो। ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी वही होता था कि पहले के टाइम पे लोग जब डिसीजन लेते थे तो उसके ऊपर एक मीटिंग बैठा देते। मीटिंग में लोग आते थे, अपने ऊपर डिस्कस करते थे, डिस्कस करके फिर जो डिसीजन होता था वो उसको फाइनल कर देते थे। ओवर द ईयर इस चीज में बदलाव हुए हैं बहुत तरह के। तो जैसे जैसे बदलाव होते आए हैं, वैसे वैसे ये बोला गया है कि ये चीजें होनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें नहीं होंगी, जो चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर वो नहीं होंगी तो उसको वैलिड मीटिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, और उसी को हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यस, सबसे पहला है द मीटिंग मस्ट बी कन्वीन्ड प्रॉपरली बाय द पर्सन और अथॉरिटी ड्यूली ऑथराइज्ड टू डू सो। है ना, तो मीटिंग के बारे में जानकारी जो है वो सारे के सारे लोगों तक आपको पहचाने की जो जिम्मेदारी है वो अथॉरिटी के पास होती है। जिसके पास वो अथॉरिटी है वो आप तक पहुंचाएगा वो जानकारी, और अगर वो आप तक नहीं पहुंचाता है तो उसको वैलिड मीटिंग नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहला काम तो यही है कि जब भी मीटिंग होने वाला है तो मीटिंग की तारीख, मीटिंग की डेट, मीटिंग कहाँ होने वाला है, किस बारे में होने वाली, ये सारी की सारी जानकारी जो है वो पहुंचा दी जाती है बाय द ऑथराइज्ड पार्टी। दूसरा पॉइंट है अ प्रॉपर नोटिस शुड बी सेंट। एक प्रॉपर नोटिस तैयार करना चाहिए जो कि आपको भेजना है एज पर लॉ टू ऑल द पर्संस हु आर एंटाइटल्ड टू अटेंड द मीटिंग। ऐसे सारे लोगों को जो भी उस मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं या उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लायक है, उन सभी लोगों को आपको उस नोटिस को भेजना होगा। और टू वोट एट द मीटिंग, या हो सकता है वहां पे वोटिंग भी हो तो वोटिंग के लिए भी उनको भेजना जाना जरूरी है। अदरवाइज द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग विल बी इनवैलिड। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, नोटिस नहीं भेजते हो, तो जो भी मीटिंग में फैसला लिया जाएगा वो सारी की सारी चीजें जो है वो इनवैलिड कहलाएंगी। पब्लिक मीटिंग्स आर कन्वीन थ्रू अ एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स, बाय पोस्टर्स और बाय नोटिसेस डिस्प्लेड इन अ प्रोमिनेंट प्लेस। है ना, तो जो पब्लिक मीटिंग्स होती है, पब्लिक कंपनी की जो मीटिंग्स होती है उसके बारे में एडवर्टीजमेंट पेपर्स में दिए जाते हैं, नोटिस के थ्रू डिस्प्ले किए जाते हैं, जो कि किसी पेपर के प्रोमिनेंट प्लेस में होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी छोटा करके चिपका दिया, किसी अच्छे जगह पे होता है जहाँ पे लोगों का ध्यान पड़े, और वहां पे उस तरीके से जो है की जाती है पब्लिक कंपनी के केस में। इंडिविजुअल नोटिस इज सच केसेस इन ईदर नेसेसरी नॉर पॉसिबल ऑल्सो। है ना, तो इंडिविजुअल नोटिस सबको भेज पाना एक तरीके से मुश्किल काम भी है और पॉसिबल भी नहीं है, जिसके कारण से वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक कंपनीज के केस में वो लोग पेपर्स में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, दे देते हैं, उसको देखते हैं और लोगों को पता चल जाता है। प्राइवेट कंपनी के केस में लेकिन जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उसमें हिस्सा ले सकते हैं, उनको आपको नोटिस भेजना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी के टाइम पे नोटिस भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, मेल के जरिए, ईमेल के जरिए आप चीजों को बहुत ही आसानी से सेंड कर सकते हैं, राइट। तीसरा नंबर पॉइंट है, अगर वो नहीं होगा तो फुलफिल नहीं होगा। तीसरा नंबर पॉइंट है द मीटिंग मस्ट बी लॉफुल। जो मीटिंग है वो लॉफुल होनी चाहिए। इट मस्ट बी हेल्ड एट अ लॉफुल प्लेस। जो जगह होगी मीटिंग की वो सही जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जुए के अड्डे पर जाकर के मीटिंग रख लिया तो वो जगह तो लॉफुल नहीं है, तो किसी लॉफुल जगह पे आपको करना पड़ेगा। इट मस्ट बी एट द लॉफुल प्लेस, दैट इज अ प्लेस नॉट प्रोहिबिटेड बाई एनी लॉ। ऐसा कोई जगह नहीं होना चाहिए जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है कि वहां मत जाओ। ऐसी जगह पे अगर किसी भी तरह की मीटिंग है तो वो मीटिंग जो है इनवैलिड मानी जाएगी। फॉर अ लॉफुल पर्पस, अब जो पर्पस है आपका मीटिंग करवाने का वो भी लॉफुल होना चाहिए,
इलीगल वहां पे कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, दैट इज नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और इंटरेस्ट एंड मस्ट नॉट डिस्टर्ब पब्लिक पीस एंड ऑर्डर। अब आपकी मीटिंग की वजह से पब्लिक पीस एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की चीजें अगर आप होगी आपकी मीटिंग की वजह से, तो आपका मीटिंग जो है वो इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है द मीटिंग मस्ट हैव अ कोरम। ठीक है, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट नीड टू बी यू नो प्रेजेंट सो दैट योर मीटिंग कैन बी वैलिड। तो मीटिंग के लिए मिनिमम नंबर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि द मीटिंग मस्ट हैव कोरम प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोरम मीन अटेंडेंस ऑफ अ मिनिमम नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड पर्संस फॉर अ वैलिड ट्रांजेक्शन ऑफ मीटिंग। अब देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो मीटिंग में आपके हिस्सा ना लें, किसी को कुछ काम है, किसी की तबीयत खराब है, किसी को कुछ है, तो सपोज 10 लोग हैं तो कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम 10 में से 5 या 6 लोग होने चाहिए। ये मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम मेजोरिटी होनी चाहिए ताकि वो उस मीटिंग को वैलिड किया जा सके। ठीक है, कई बार 2 लोगों से भी मीटिंग स्टार्ट हो जाता है और उसको वैलिड करार कर दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कि कोरम आपका क्या है। अगर कोरम में प्रिस्क्राइब किया गया है कि 50% होनी चाहिए, सपोज 10 लोग हैं तो 6 लोग होने चाहिए, तो ही मीटिंग जो है वैलिड करार कर दी जाएगी। ठीक है, तो कोरम जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा उसमें जो मिनिमम नंबर होगा उतना का प्रेजेंट होना उस मीटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। When no quorum is prescribed, अगर किसी भी तरह का quorum prescribed नहीं किया गया है, pre-assembly at least 2 persons must be present. तो पहले से ये मान लिया जाता है कि कम से कम 2 लोग भी अगर वहां होंगे तो मीटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उनके अकॉर्डिंग जो है वो लोग डिसीजंस लेंगे। ठीक है, पहला बात तो quorum को देना जरूरी है, पर अगर आप नहीं देते हो तो माना जाएगा कि कम से कम 2 लोग भी अगर हैं तो मीटिंग स्टार्ट की जा सकती है। द quorum मस्ट नॉट ओनली प्रेजेंट एट इन द बिगिनिंग बट मस्ट बी मेंटेन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द मीटिंग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लोग ही स्टार्टिंग में आए और काम हो गया, या 3 लोग आए काम हो गया। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सपोज बोला गया कि 6 लोगों का होना जरूरी है, तो 6 लोग आ तो गए लेकिन बीच में देखा गया कि मीटिंग के दौरान 2 लोग उठ के चले गए तो बचे कितने, 4। उस केस में भी आपकी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। मीटिंग के एंड होने तक जो मिनिमम कोरम का नंबर है वो मेंटेन करके रखना जरूरी है। ठीक है, हाउएवर कोरम इज नॉट नेसेसरी फॉर एनी पब्लिक मीटिंग। तो पब्लिक मीटिंग के केस में, पब्लिक कंपनी की मीटिंग के केस में किसी भी तरह की कोरम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सारी शेयर्स कंपनी के लोगों के पास है और सारे लोग प्रेजेंट हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो ऐसा नहीं हो पाता। पांचवा नंबर पॉइंट है द मीटिंग मस्ट ऑलवेज बी प्रिसाइडेड बाय द चेयरमैन। जो मीटिंग होगा उसको प्रिसाइड किया जाएगा बाय द चेयरमैन। द चेयरमैन इन द केस ऑफ अ पब्लिक मीटिंग इज अपॉइंटेड बाय द कन्वीनर्स और या फिर कन्वेनर्स, जैसे आप बोलो कन्वेनर्स और दोज हु आर प्रेजेंट। ठीक है ना, तो चेयरमैन का डिसीजन कौन होता है कि चेयरमैन कौन होगा, वो डिसाइड करते हैं वहाँ के लोग, जो लोग वहाँ पे यू नो प्रेजेंट होंगे, जो लोग मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि चेयरमैन कौन होगा। और चेयरमैन उस मीटिंग को प्रिसाइड करता है, वो बंदा प्रपोज करता है कि इस बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद फिर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, राइट? इन द केस ऑफ रजिस्टर्ड बॉडीज द चेयरमैन इज अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द रेस्पेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अगर कोई रजिस्टर्ड बॉडी है जिसका यू नो जिसकी जानकारी गवर्नमेंट के पास है, रजिस्टर्ड चीज है, तो उस केस में चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट होगा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके होगा। ऐसा नहीं कि आपने चूज कर लिया इसको बना दिया गया, ऐसा नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना जरूरी है। छठा नंबर पॉइंट है प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग मस्ट बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ गवर्निंग द पर्टिकुलर मीटिंग, है ना? तो जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, जो भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग होगी, उन सारी चीजों को आपको एज पर द लॉ आपको जो है गवर्न करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको रेगुलेट करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी मीटिंग इनवैलिड मानी जाएगी। सातवां नंबर पॉइंट है प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स एट द मीटिंग मस्ट बी केप्ट। जो भी चीजें हुई हैं उन सबका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, मिनट्स मतलब जो चीजें हुई हैं, ठीक है ना, यहाँ पे समय की बात नहीं हो रही है, चीजों की बात हो रही है, जो चीजें हुई हैं उन सब चीजों की बात हो रही है। सो द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग शुड बी ड्यूली रिटन, सारी चीजें रिटन होनी चाहिए, साइंड एंड कंफर्म्ड इन अकॉर्डिंग विद एस्टैब्लिश्ड प्रोविजंस। जो एस्टैब्लिश्ड प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, लिख करके अपने मेंबर्स को देना है, वो सारे लोग उसके ऊपर साइन करेंगे और साइन करने के बाद कंफर्म करेंगे कि हाँ मीटिंग में ये चीजों पर बात हुई थी और ये हमारा डिसीजन है, तो ही आपके मीटिंग जो है वो वैलिड करार दी जाएगी, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग, जो कि होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं होगा तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।